देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनावों में लेफ्ट ने एक बार फिर जीत का जोरदार डंका बजाया। लेफ्ट ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी चारों सीटों पर दमदार जीत दर्ज की है। चुनाव परिणाम के बाद पूरा जेएनयू कैंपस वाम संगठन के नारों से गूंज उठा। वाम गठबंधन आयसा, एसएफआई और डीएसएफ ने सेंट्रल पैनल की चारों सीटों पर बाजी मारी है। एबीवीपी की प्रत्याशी निधि त्रिपाठी को हराकर गठबंधन की प्रत्याशी गीता कुमारी ने 464 वोटों से अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। छात्र संगठन आयसा की नेता गीता को 1506 वोट मिले, जबकि एबीवीपी की निधि को महज 1042 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। अध्यक्ष पद के साथ साथ लेफ्ट ने वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी पर भी कब्जा जमाया। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में लेफ्ट पैनल की सिमोन जोया खान को 1876 वोट मिले। वहीं जनरल सेक्रेटरी पद पर भी लेफ्ट के दुगीराला श्रीकृष्णा ने 2082 वोटों से जीत का डंका बजाया। इसके साथ ही ज्वाइंट सेक्रेटरी के चुनाव में भी 1755 वोटों के साथ लेफ्ट के शुभांशु सिंह पहले नंबर पर रहे। इस चुनाव में परिसर के अंदर बहुजन राजनीति की लकीर खींचने वाला छात्र संगठन बीएपी ऐसे कुछ ज्यादा खास कमाल नहीं कर पाया। वहीं कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रत्याशी सबसे पीछे रहे। इस पूरे चुनाव में परिसर में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दावेदारी करने वाला फारूक आलम को भी अच्छे वोट मिले। आपको बता दें कि शुक्रवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में इस बार सभी दलों ने अध्यक्ष पद के लिए महिला उम्मीदवार को खड़ा किया था, जिसमें 58.69% वोट डाले गए थे। कुल 7,904 वोटर्स में से 4,639 ने वोट डाले थे, जिनमें से 157 मत अवैध हो गए, क्योंकि मतदाताओं ने अपनी पर्ची गलत मतपत्र पर लगा दी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।